हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? अब आप घर पर ही रह के अपना वर्क करेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ये मैं आज आपको मैथ में 51 से लेके 100 तक काउंटिंग कराऊंगी। ये आपको नोट भी करनी है और लर्न भी करनी है, ठीक है? और जब आप लोग स्कूल आएंगे तो आपकी ये नोटबुक चेक होंगी, ठीक है? ये देखिए, 51 से लेके 100 तक काउंटिंग में सबसे पहले 50 के बाद क्या आएगा? 51, ठीक है? एक कॉलम छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे 52, फिर 53, 54, 55, इसके बाद 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, ठीक है? इसके बाद इधर से भी एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे 60 के बाद क्या आता है? 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 70। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप नीचे से भी एक कॉलम छोड़ेंगे और साइड से भी एक कॉलम छोड़कर ही लिखेंगे, ठीक है? इससे आपका राइटिंग भी सुंदर आएगा। ओके बच्चों, 70 के बाद क्या आता है? 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 80 के बाद 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 88, 88, 89, 89, 90, 90, ठीक है बच्चों? इसके बाद 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99, और लास्ट 100, 100, ठीक है? इस तरह से आपकी 51 से लेके 100 तक काउंटिंग हो गई और आपको ये इसी तरह से नोट करनी है, ठीक है? और लर्न भी करनी है, और जब आप लोग स्कूल में आएंगे तो आपकी ये नोटबुक चेक होगी, ठीक है बच्चों? गुड बाय बच्चों, थैंक यू।